हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा दसवीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा दसवीं विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और संस्कृत का सेट डी का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का सेट डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह उमरिया में है, तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध यहाँ पर बना हुआ है, ब नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो चना गेहूँ होते हैं वह रबी की फसल होती है, तो द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार इस प्रकार से पूछा गया है, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में जो है रेलवे का प्रारंभ सन 1853 ईस्वी से माना जाता है, आ नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, आँखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है न्याय का प्रतीक चिन्ह होता है, ब नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न छः इस प्रकार से पूछा गया है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो कब की थी? सन 1916 में, आ नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, औसत आय को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। और इन सभी के आंसर जो है आपको यहाँ पर लिखित रूप में भी आपको बताए जाएंगे। पहले खाली स्थान का आंसर प्रति व्यक्ति आय होगा। दूसरा खाली स्थान है, महात्मा गांधी सन 1915 में भारत लौटे इसके पहले वे कहाँ थे? तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो दूसरे खाली स्थान का उत्तर जो है आपको क्या लिखना है? दक्षिण अफ्रीका आपको लिखना है, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा खाली स्थान है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। तीसरे खाली स्थान का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान इस प्रकार से है कि बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश कौन सा देश है? तो यूरोप देश है। कौन सा देश है? यूरोप देश है। यहाँ पर चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा यूरोप होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, पेरियर रामास्वामी किस प्रदेश से हैं? तो किस प्रदेश से हैं? पश्चिमी तमिलनाडु से हैं। किस कहाँ से हैं? पश्चिमी तमिलनाडु। तो पांचवें खाली स्थान के उत्तर में आपको क्या लिखना है? पश्चिमी तमिलनाडु आपको लिखना है। क्या लिखना है? पश्चिमी तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां खालिस्तान है, लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। तो शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है, किसके लिए होती है? शासन व्यवस्था के लिए। किसके लिए? शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक तीन में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार से आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम आ और कॉलम ब। पहला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको एफ नंबर से मिलाना है। किससे मिलाना है? एफ नंबर से, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। दूसरा है, औसत आय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, बी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है, सी नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया है परिवहन संचार, तो परिवहन संचार
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर ए नंबर से आपको मिला देना है इंग्लैंड से। इसके बाद पाँचवें नंबर पर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकों का बैंक होता आपको ई नंबर से मिलाना है। इसके बाद छठवें नंबर पर दिया गया है वैश्वीकरण, तो जो वैश्वीकरण होता है तृतीयक क्षेत्रक होता है डी नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक चार में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। अब इसके बाद हमें एक साथ इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पाँच में सत्य पूछे गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छः सात इस प्रकार से आपसे कुल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सभी 23 के 23 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है, या फिर आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक एक में सही विकल्प पूछे गए थे इस प्रकार से, छह सही विकल्प पूछे गए थे इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो में जो है रिक्त स्थान पूछे गए थे, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर प्रति व्यक्ति आय होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर दक्षिण अफ्रीका होगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर इंग्लैंड होगा, चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा यूरोप होगा, पांचवें प्रश्न का उत्तर जो होगा पश्चिमी तमिलनाडु होगा, और छठवें प्रश्न का उत्तर शासन व्यवस्था के। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक तीन में सही जोड़ियां पूछी गई हैं, इस प्रकार से इनके सामने इनके आंसर दिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र, तो अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है, इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं। तो इनको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक चार में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न क्रमांक चार के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है सुनहरा होता है, ये अत्यंत उपयोगी रेशा है। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा सन 1797 ईस्वी में, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा सन 1919 में, चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा 28 जुलाई सन 1914 से 11 नवंबर 1918। इसके बाद पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बंगाल के हीरापुर, कुल्टी, बर्नरपुर आदि। इसके बाद प्रश्न छह का उत्तर इस प्रकार से होगा कि कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चार के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक पांच में सत्य पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा प्रश्न सत्य होगा, तीसरा प्रश्न भी आपका सत्य होगा, चौथा प्रश्न सत्य हो जाएगा, पांचवा प्रश्न आपका असत्य होगा, और प्रश्न छह भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पांच के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक छह से प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो प्रश्न छह इस प्रकार से पूछा गया है कि तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे कि काली मृदा जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। केवल आपको यहां तक इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, केवल जो है तीन राज्यों के नाम पूछे गए हैं जहां काली मृदा मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप यहां से लेकर आप यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न छह का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक सात का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं जड़ोड़ मिट्टी, काली या रेगर मिट्टी, इसके बाद लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक सात के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक आठ इस प्रकार से पूछा गया है कि गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
और एक बार सभी विद्यार्थियों से फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो है साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है ताकि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया है कि विनिर्माण क्या है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि राज्य राजमार्ग से क्या आशा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से पूछा गया है कि डिजिटल भारत क्या है, तो इस प्रकार से आप यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे। चूंकि दो दो अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से पूछा गया है कॉर्नला क्या था, तो इस प्रकार से आप यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे और सभी सेटों के सेट ए सेट बी सेट सी और सेट डी सभी सेटों के प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 50% अर्थात 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं चार सेटों में से पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इसका हम उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना, आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है पंचांग से क्या आशा है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कंपोजिटर क्या है, तो केवल आपको कंपोजिटर का आंसर लिखना है, आपको यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न में लिखना है कि कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से कंपोजिटर कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र को जो है उदाहरण की सहायता से समझाएं, तो प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर होगा आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कंटेनर क्या है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 का इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 के प्रश्न के जो उत्तर में आपको लिखना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप वीडियो को रोककर प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है, केवल इतना प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो आपको उत्तर लिखना है आपको यहां से लेकर आपको यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए,
तो इस प्रश्न के उत्तर को जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से आपको लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा, तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21 के जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए या साइमन कमीशन को समझाइए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से पूछा गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका या विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। पहला हो जाएगा जनमत तैयार करना, दूसरा हो जाएगा मध्यस्थता, तीसरा हो जाएगा आलोचना, चौथा होगा राजनीतिक शिक्षा, पांचवा होगा शासन पर अधिकार करना। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर होगा और यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में इस प्रकार से आपको अभ्रक तथा मैंगनीज के क्षेत्रों को आपको दर्शाना है अजमेर और हजारीबाग में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको मानचित्र बनाना है और इसमें जो है अजमेर और हजारीबाग को आपको इस प्रकार से दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र को आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के जो आपके सेट रह गए हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।